ये आदमी अपने जेब से एक सीरिंज निकालता है और चुपके से थोड़ा सा सूप लेकर टेस्ट ट्यूब में भर लेता है। फिर वो टमाटर के कुछ टुकड़ों को अपने जेब में रख लेता है, जिसके बाद वो एक थर्मामीटर निकालकर स्टेक का तापमान नापने लगता है, जिसे वो बाद में फूलों में फेंक देता है। इसके बाद वो वेटर को बुलाकर बिल मांगता है। उसे पूरे खाने का खर्च 5,000 रुपये पड़ता है। फिर वो सारे सैंपल को लेकर जांच के लिए लैब में भेज देता है, क्योंकि वो GMY मैगजीन का एक मुख्य संपादक रहता है, जिसका मिशन रेस्टोरेंट्स के गंदे सच को सामने लाना है। इसी मिशन के तहत वो एक दिन ऐसे रेस्टोरेंट में जाता है जहां का शेफ बिना बनियान के सिगरेट फूंकते हुए खाना बना रहा था। उसने सिगरेट को आटे में ही गिराकर सान दिया, यहाँ तक कि बार बार इस्तेमाल होने वाला तेल तक भी काला पड़ चुका था। ये हालत देख तो वहाँ सुअर भी खाना खाने ना चाहे। ये सब सबूत इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो जाने वाला था, अचानक उसे रेस्टोरेंट का मालिक पकड़ लेता है और बंदूक दिखाकर रेस्टोरेंट का सारा बचा हुआ खाना खाने की धमकी देने लगता है। अब खाना खाने के बाद वो सीधा अस्पताल पहुंच जाता है, जहां उसे नर्स इंजेक्शन लगाना चाहती थी, लेकिन वो इंजेक्शन के डर से भागने लगता है। पर शायद उसे पता नहीं था कि ये खतरनाक नर्स अपना निशाना कभी नहीं चूकती। इंजेक्शन सीधे आदमी की तशरीफ पर जा लगती है और बाकी का काम दरवाजे ने कर दिया।